जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में आपका हम चैप्टर पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप जो टॉपिक है इससे आपका जो भी क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल दोनों पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करने के लिए जब तक आप थ्योरी पार्टनरशिप जाएगा उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं रखेंगे तब तक आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। तो पार्टनरशिप में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के तहत फर्म के तहत क्या क्या होता है, एग्रीमेंट के तहत वो सारी इन्फॉर्मेशन बता चुके हैं। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत मजेदार चैप्टर है जिसका नाम है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ। अब ये गुडविल होता क्या है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गुडविल। ये किसी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर बिजनेस में गुडविल नहीं हो तो बिजनेस जो होता है हमारे नील के समान, तो जीरो के समान होता है। आखिर गुडविल है क्या, तो ये गुडविल एक एसेट्स है। क्या सर? एसेट्स। और एसेट्स में यह इनट्रांजिबल है। क्या सर? इनट्रांजिबल। इनट्रांजिबल मतलब होता है वह संपत्ति जिसको हम केवल फील करते हैं, जिसको हम अनुभव करते हैं वो हमारे लिए इनट्रांजिबल होता है, मतलब अमूर्त संपत्ति होता है। यह प्रकार का कौन सा एसेट्स है? इनट्रांजिबल। अगर आप सब पूछे कौन सा एसेट्स है, गुडविल कहते हैं हमारा कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ये सब इसका एग्जांपल होता है। इसका नेचर जो होता है वो डॉग के समान होता है, कैट के समान होता है, रैट के समान होता है। याद रखिएगा इसका नेचर, इसकी प्रकृति के समान होती है, कुत्ते के समान, बिल्ली के अनुसार, चूहे के अनुसार, मतलब एक्सप्लेन बताया गया, मतलब एक तरह का इसका नेचर बताया गया है। तो गुडविल जो होता है ये किसी बिजनेस का एक ब्रांड होता है। क्या होता है सर? क्योंकि यदि कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वह बिजनेस चलता है उस बिजनेस के नाम पे। यदि बिजनेस का नाम अच्छा होता है तो ऑटोमेटिक वो बिजनेस ग्रोथ करता है। क्या करता है सर? ग्रोथ करता है। चाहे वो कोई बिजनेस, चाहे सोल ट्रेड हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हमारा? अब गुडविल निकालने का आपका तीन मेथड होता है। पहला मेथड होता है एवरेज मेथड। क्या होता है सर? एवरेज मेथड। एवरेज मेथड। दूसरा मेथड होता है मेरा सुपर मेथड। क्या होता है सर? सुपर मेथड। क्या होता है सर? सुपर मेथड। और तीसरा होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या होता है सर? जैसे कि आप जानते हैं कि एवरेज मेथड दो तरीके से बनता है, एक होता है सिंपल। क्या होता है सर? सिंपल। और एक होता है वेटेड। क्या होता है सर? वेटेड। तो जब प्रश्न में किसी मेथड के बारे में बोलेगा और गुडविल निकालने बोलेगा तो हमेशा कौन यूज करेंगे? सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड के तहत हम निकालते हैं पहले एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालते हैं सर? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जो होता है जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एपी। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। लेकिन हमको निकालना है गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ। तो ये आपका सिंपल मेथड का फॉर्मूला हुआ, सब सिंपल का। बट इसके तहत एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है कि हमारा एक फर्म है, फर्म के तहत 3 साल का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 40,000, 50,000, देन 60,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर NOPY दिया हुआ है 2 साल, कितना साल दिया है? निकालने बोला गुडविल। गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन में आपका मेथड नहीं दिया है कि कौन से मेथड क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन ये पता है कि प्रॉफिट 3 साल का है। तो सबसे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फॉर्मूला पता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ। तो टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा 1,50,000, साल कितना है, ये निकलेगा हमारा 50,000। क्या निकलेगा? निकालना है गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ। तो एवरेज हो गया 50,000 परचेज 2 है, ये निकलेगा आपका 1,00,000 रुपीज। कितना है सर? तो ये आपका हुआ सिंपल मेथड। इसके तहत और क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल सिंपल मेथड के तहत हमारा एक रूल है, सिंपल मेथड के तहत एक रूल है, यहां बताते हैं। सिंपल मेथड के तहत एक रूल है, रूल क्या है सर? रूल ये है कि यदि मान लीजिए किसी भी साल प्रॉफिट दिया गया हो, क्या दिया हो, और दोबारा प्रॉफिट दे उसी साल में, क्या दे, तो हमेशा क्या करेंगे? यदि प्रॉफिट और लॉस हो क्या करेंगे? यदि आपका प्रश्न में एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया गया हो,
है ना, प्रॉफिट दिया हुआ है आपका प्रश्न में, प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन फिर लिख दिया है एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या लिखा है सर? तो याद रखिएगा, जब एबनॉर्मल प्रॉफिट हो, असामान्य लाभ हो, तो हमेशा क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? लेकिन प्रॉफिट हो और एबनॉर्मल लॉस हो तो क्या करेंगे सर? जब आपका प्रॉफिट हो और आपका इंश्योरेंस का अमाउंट दिया गया हो, क्या दिया हो, तो उसको भी क्या करेंगे? ये पांच रूल आप माइंड में सेट रखिएगा कि कब प्लस और कब माइनस करते हैं। जैसे इसके तहत हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक फर्म है जिसका 4 ईयर का प्रॉफिट दिया है, कितना साल का दिया है? 90,000, 70,000, 80,000, देन 40,000, है ना? ये जो 40,000 कंप्लीट लॉस है, कंप्लीट क्या है? जो 90,000 है वहां पे आपका दिया है एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया है 10,000, कितना दिया है? जहां 70,000 बोला एबनॉर्मल लॉस दिया है 30,000, कितना दिया सर? और ये जो साल है यहाँ इंश्योरेंस का पैसा दिया है 10,000, कितना दिया सर? प्रश्न में नंबर ऑफ परचेज यह दिया है 2 साल, कितना साल दिया सर? तो गौर कीजिए, निकालना है हमको गुडविल, क्या निकालना है? लेकिन यह कंडीशन है कि आपका कहीं हर साल प्रॉफिट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे सर? फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर, है ना? गौर कीजिए, पहला साल 90,000 प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया है तो कितना बचा ये? 80,000। अगला 70,000 लॉस है, 30, कितना बचा है? 1,00,000, कितना बचा? 80,000 इंश्योरेंस 10,000, कितना बचा ये? 70,000, कितना बचा? और ये जो 40,000 कंप्लीट लॉस है, तो क्या करेंगे इसको हम? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? साल दिया है आपका 4 साल, कितना साल दिया सर? इसको हम प्लस करते हैं तो होता है मेरा 1,250, 2,10,000, 2,00,000, 4 से डिवाइड करते हैं हमारा तो निकलेगा 4,520, 4,28, 52,500, ये निकला आपका एवरेज प्रॉफिट। क्या निकला? निकालना है गुडविल, फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो ये हो गया 52,500 परचेज ईयर हमारा है 2 साल, तो 0,00,00,22,415 हुआ, अब 5×10 मतलब 1,05,000, 1,05,000, है ना? तो ये जो दो क्वेश्चन है, एक है सिंपल और एक है सिंपल के तहत रूल के तहत, तो इसी के तहत हमारा मेथड कौन सा होता है? सिंपल मेथड। तो ये टॉपिक हमारा केवल सिंपल मेथड, क्या हुआ सर? अब आप बताते हैं वेटेड मेथड, क्या बताते हैं सर? अब आप बता रहे हैं वेटेड मेथड, ध्यान से देखिए सर। देखिए किसी भी कंडीशन में एवरेज प्रॉफिट निकालने बोलेगा तो सेम यही सी रूल का यूज करेंगे जो बताएं आपको, चाहे वो किसी मेथड में हो, चाहे वो एवरेज हो सुपर किसी में। अब एवरेज के तहत हमारा बचा हुआ है वेटेड मेथड, कौन मेथड? वेटेड मेथड। तो वेटेड मेथड के तहत हमारा पहले निकलेगा वेटेड प्रॉफिट, क्या निकलेगा? इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट बटा नंबर ऑफ वेट, नंबर ऑफ वेट, और गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ। प्रश्न बोला एक फर्म है जिसका 4 साल का प्रॉफिट दिया है, हाँ ना? प्रॉफिट है 10,000, 20,000, 30,000, देन 40,000। आपका प्रश्न में वेट दिया हुआ है, वेट दिया है 1, 2, 3 और 1, 4, 1, 2, 3 और 1। नंबर ऑफ परचेज ईयर जो दिया है वो दिया है 2 साल, कितना साल? निकालने बोला है गुडविल, क्या बोला है? गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में वेटेड लिख दिया है, तो जब वेटेड लिख दिया है तो कौन सा मेथड होगा? वेटेड, तो टेबल बनेगा, टेबल का नाम होगा एनालिटिकल मेथड, बोलोगे सर? एनालिटिकल टेबल होगा, क्या सर? ये टेबल 4 कॉलम बटेगा, 1, 2, 3 और 1। पहला पार्ट जो होगा ईयर, क्या होगा सर?
अगला पार्ट होगा प्रॉफिट, क्या होगा सर? अगला पार्ट होगा वेट, क्या होगा सर? और अगला पार्ट होगा प्रोडक्ट, क्या होगा सर? तो ईयर दिया है 1 साल 2 साल 3 साल और एक प्रॉफिट है 10,000 20,000 30,000 और वेट है 1 2 3 और एक इंटू करेंगे 10,000 1 10,000 22,000 40,000 33,000 90,000 1,60,000 है ना, इसको प्लस करेंगे होता है 3 लाख, कितना होता है? और ये है 10, कितना है सर? सबसे पहले निकलेगा वेटेड प्रॉफिट, क्या निकलेगा सर? तो आपका फॉर्मूला पता है टोटल प्रोडक्ट बटा नंबर ऑफ वेट, तो टोटल हुआ 3 लाख, वेट है 10, ये निकलेगा 30,000, कितना निकलेगा? गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ, तो वेटेड दिया है आपका 30,000 और परचेज दिया है आपका कितना सर? 2 साल, कितना सर? 2 साल, तो 32,000 क्या हो गया सर? 60,000, कितना हो गया सर? इसमें क्या एक टेबल बनेगा, ये हुआ वेटेड, तो कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ पहले लिखा हुआ सर? अब बताते हैं सुपर मेथड, कौन मेथड? सुपर मेथड, एवरेज मेथड होगी हमारा, हम बता रहे हैं सुपर मेथड और कैलकुलेशन मेथड। तो अब अगला टॉपिक है जिसका नाम है सुपर मेथड, क्या नाम है सर? तो सुपर मेथड निकलेगा, सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज माइनस, तो एवरेज पता है कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर, गुडविल निकालना है तो भाई फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। तो प्रश्न बोला है एक फर्म है, क्या सर? जिसका प्रॉफिट दिया है 50,000, कितना दिया है? कैपिटल दिया है हमारा 4 लाख, कितना दिया सर? आपका नॉर्मल रेट दिया है, नॉर्मल रेट दिया है कितना परसेंट? आपका प्रश्न में नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ दिया है 3 साल, कितना साल? निकालने बोला है गुडविल सुपर मेथड, कौन मेथड? तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, यानी नहीं गौर कीजिएगा, इस प्रश्न में आपका एवरेज प्रॉफिट दिया है 50,000, कितना दिया है? निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, क्या निकलेगा? नॉर्मल जब भी निकलता है तो कैपिटल से निकलता है, कैपिटल कितना है? 4 लाख, कितना सर? रेट दिया है 10%, निकलेगा 40,000, कितना निकलेगा? यहां निकालेंगे पहले आपका सुपर प्रॉफिट, क्या निकलेगा सर? तो एवरेज है 50,000, नॉर्मल है कितना सर? 40,000, कितना सर? ये बचेगा 10,000, निकालना है गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, तो ये है 10,000 और परचेज कितना है? 3, तो 10 3 कितना हो गया सर? हाँ है ना, तो ये हुआ आपका सुपर मेथड, क्या मेथड हुआ? अब लास्ट मेथड है जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड, क्या सर? तो कैपिटलाइजेशन मेथड जो होता है इसमें निकालेंगे कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बटा नॉर्मल रेट, नॉर्मल गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस कैपिटल माइनस, और जहां कैपिटल इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस, एक फर्म है जिसका प्रॉफिट दिया है हमारा 4,000, कितना दिया सर? 4,000, कितना दिया सर? प्रश्न में नहीं, 9,000 दिया, कितना दिया सर? और कैपिटल दिया है हमारा, कैपिटल दिया है 40,000, कितना दिया? नॉर्मल रेट दिया है 10%, कितना परसेंट? निकालने बोला है गुडविल, क्या बोला सर? तो गौर कीजिएगा, अभी तक जितना क्वेश्चन बना रहे थे हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज था ना सर? तो जब किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज नहीं रहेगा, जब किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो हमेशा कौन मेथड? तो गौर कीजिए, कहीं नंबर ऑफ परचेज ईयर है
तो सबसे पहले निकालेंगे कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दिया है 9000, हाँ है ना, 100 रेट है 10, ये काट के आएगा 90000, कितना आएगा? गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस कैपिटल माइनस, तो कैपिटलाइजेशन निकला 90000 और कैपिटल है 40000, कितना है? तो माइनस का कितना आएगा सर? 50000। तो ये हुआ कौन सा मेथड? आपके बुक से 1 से 20 क्वेश्चन बन जाएगा, बनाइए, जहां दिक्कत होगा हम बताएंगे सर। ये कंप्लीट गुडविल है सर। ओके सर।